बिसमीम लेडीज़ एंड जेंटलमैन अल्लामक वरहल वर्कू नाजरीन कराम आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सोशल मीडिया पर हर तरफ ट्रांसजेंडर लॉ के बारे में जो बिल पास हुआ है उसके हवाले से डिस्कशन की जा रही है बहस वमबाइस किए जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम उस बिल पर डिस्कशन करने के बजाय हम इस हवाले से कुछ जान लेते हैं कि इस बिल के हमें क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे इसके हमें क्या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे और इस मकरू एजेंडा के पीछे कौन सी वो ताकतें हैं जो इसमें मुलविस हैं और ये मकरू एजेंडा जो एल के नाम से शुरू हुआ ये कब से शुरू हुआ इसके हवाले से आज की वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्यूनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए नाज्रिन कराम जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज आलम यहूद अमेरिका जैसी सुपर पावर के इस्तेमाल से हमारी वैल्यूज़ हमारी इकदार हमारी माशरती निज़ाम हमारा फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद करने पर किस कदर तोला हुआ है आप सब जानते हैं कि ये प्रोपागेंडा कब से शुरू हुआ था कि मर्द औरत और दोनों शाना बशाना हैं औरतों को मर्द के शाना बशाना होना चाहिए मर्द औरत और और दोनों बराबर के शर्क हैं और अब इस किस्म का कुछ एजेंडा सामने आ रहा है कि अब गेज़ की आपस में शादियां हों मर्द की मर्द से शादियां होने लगें और इसको कानूनी तौर पर लीगल करार दे दिया जाए और लेसबियंस आपस में शादियां करें फीमेल एक फ़ीमेल हस्बैंड हो और दूसरी फ़ीमेल वाइफ़ बन जाए और इनकी आपस में शादियां हों और इन्हें कानूनी तौर पर बिल्कुल लीगल करार दे दिया जाए ये सारा मकरू एजेंडा ये सारा, सारा गंदा एजेंडा आखिर कब से शुरू हुआ था इसके लिए 1994 में कायरा में एक एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई इसके ठीक इससे ठीक एक साल बाद 1995 में बीजिंग में एक और एनुअल कॉन्फ्रेंस रख दी गई is conference kanam women 2000 gender equality development and peace for 21st century अब इस कॉन्फ्रेंस में जो बिल में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम पॉइंट्स को रेज़ किया गया जिनको रेज़ किया गया हाईलाइट किया गया तो उन पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट जो बीजिंग में नाइनटीन की इस कॉन्फ्रेंस में रेज़ किया गया वो कुछ ये है कि होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दे दिया जाए जानी कि अगर कोई मर्द औरत से अपने औरत से सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम नहीं करना चाहता तो अगर वो किसी मर्द से ही सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना चाहता है तो उसे इजाज़त दी जाए इसमें किसी को क्या तकलीफ़ उससे तो पूरी आज़ादी हासिल होनी चाहिए यह फ़र्स्ट पॉइंट उस कॉन्फ्रेंस में रेज़ किया गया नंबर लेडीज घर के काम काज करने से इनकार कर दें यह बर्तन धोना ये खाने पकाना यह रोटियां पकाना यह चटपटे सालन पकाना यह वॉशिंग मशीन लगा कर कपड़े धोना यह कोई औरत की जिम्मेदारी तो थोड़ी है ये इस बिल का सेकंड पॉइंट जो रेज किया गया अगर औरत कोई ऐसा काम घर का करती भी है तो इसके एवज वो मर्द से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की डिमांड करे एक बड़ी अमाउंट में वो, आ, वो अपने हस्बैंड से मुतालबा करे कि एक बहुत बड़ी अमाउंट उसको दे इसके बदले अगर कोई मर्द देने से इनकार कर दे तो औरत घर के काम काज करने से इनकार कर दे अब आप आज आज देख सकते हैं कि इस मॉडर्न दौर में ये दो से तीन साल में जो वुमेन्स मार्च होते हैं जो औरत मार्च होते रहे हैं इसमें इस, इस एजेंडा को किस कदर हाईलाइट किया गया पाकिस्तान में ही आप देख लेना इस एजेंडा को दोबारा से हवा दी गई और इसे भरपूर तरीके से पेश किया गया मेन स्ट्रीम पर नंबर थ्री पर उस कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट रेज़ किया गया कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी का पेन बर्दाश्त करना ये औरत की ज़िम्मेदारी तो थोड़ी है हाँ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है वो डिलीवरी का पेन भी बर्दाश्त करे प्रेगनेंसी का भी पेन बर्दाश्त करे तो इस सूरत हाल में औरत मर्द से एक बहुत बड़ी अमाउंट का मुतालबा करे अगर मर्द एक बहुत बड़ी अमाउंट में उसे रकम नहीं देता तो औरत प्रेग्नेंट होने से ही इनकार कर दे वो बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी ही ना ले अब सेम इसी तरह का मुतालबा आपने अभी रिसेंटली औरत मार्च में देखा होगा कि किस तरह इसको भी मेन स्ट्रीम में लाया गया किस तरह इसको हाईलाइट किया गया नंबर फोर पॉइंट जो कॉन्फ्रेंस में रेज़ किया गया वो ये कि अगर औरत का सेक्स करने को दिल नहीं चाह रहा हम बिस्तरी करने को दिल नहीं चाह रहा इस सूरत हाल में अगर मर्द उसे मजबूर करता है तो इस सूरत हाल में इसे मैरिटल रेप कहा जाए इस सूरत हाल में कानूनी तौर पर इसे मैरिटल रेप कहा जाए कि मर्द ने उस औरत का रेप किया है और इस सूरत हाल में मर्द को सख्त से सख्त सजा भी दी जाए अब आप देख लें अब आप ज़रा इस इमेजिन कीजिए कि मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ के फिज़िकल रिलेशनशिप्स को भी मैरिटल uh, रेप करार देने के क़ानून इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट रेज़ किया गया वो कुछ इस तरह से है कि प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि जो जिसम फरोशी है इसे एक का इसे एक बाज़्ज़त इसे एक बाज़्ज़त पेशा करार दिया जाए करार दे दिया जाए और जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं जो जिसम फरोश हैं उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स ना कहा जाए बल्कि उन्हें सेक्स वर्कर्स कहा जाए और इनकी भी माशरे में उसी तरह इज़्ज़त की जाए और इस पेशे को काबिल एहतराम करार दे दिया जाए अब आप इन पॉइंट्स को सामने रख कर देख सकते हैं कि इन पांच या छह पॉइंट्स में सारे के सारे पॉइंट्स में इवन इस्लाम को ही इस्लाम पर ही अटैक किया गया इस्लामिक वैल्यूज़ पर ही अटैक किया गया इस्लामिक टीचिंग्स पर ही अटैक किया गया और इसके हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे आखिर इस कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट क्यों रेज़ किए गए थे आखिर इनके पॉइंट्स को रेज़ करने का मकसद इनका कोई मिशन क्या है आखिर ऐसे पॉइंट्स क्यों रेज़ किए गए तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यहूदी हैं वो तो अपने आप को ही सिर्फ़ दुनिया का हीरो समझते हैं वो अपने आप को ही दुनिया का बड़ा समझते हैं दूसरी अकवाम को तो वो सिर्फ़ जानवर समझते हैं जैसा कि आप यहूदियत की मुक़दस किताब एक तो उनकी आप जानते हैं कि तो है जो हज़रत मूसी इस्लाम पर नाजिल हुई इसके इलावा जो उनकी फ़िका की किताब जोर की बुक है जिसको तालमूद कहा जाता है उसमें यह लिखा गया है कि यहूदी कौम जो है ये इंसान असल इंसान तो सिर्फ यहूदी कौम है जो बाक़ी लोग हैं क्रिश्चियंस हैं बुधस्ट हैं मुस्लिम्स हैं जितनी भी अवाम हैं जितनी भी मज़ाहब हैं इनको तो तालमूद में जेंटाइल्स कहा गया है यानी कि यह इंसान नुमा हैवान हैं अब इस दौर में इन लॉज़ को पेश करके उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है कि अब वाकियतन नामे ने इंसान नुमा हेवान बना दें इन में माँ बहन बेटी की तमीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए इनको हेवान नुमा इनको इंसान नुमा हेवान बना दिया जाए और ये हर जगह मुँह मारते फिरें तो इसी मकर एजेंडा को सबसे पहले तो यहूदियों ने अमेरिका और यूरोप पर इम्प्लीमेंट करवाया और आप जानते हैं कि एक बड़े टाइम से यहूदी अमेरिका को किस तरह जानवरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह अमेरिका का फ़ायदा उठाया जा रहा है और इस कानून को वहाँ पर पास कराया गया था आप जानते हैं ना कि जिस तरह प्रेजिडेंट क्लिंटन ने कहा था प्रेजिडेंट क्लिंटन ने कहा था कि मैं अपनी कौम का मुस्तबिल कुछ इस तरह से देख रहा हूँ कि मेरी कौम हरामजादों पर मुश्तमिल होगी यानि कि हमारी कौम में ऐसे लोग पैदा होने जा रहे हैं जो विदाउट मैरिज पैदा हो जाएंगे हमारी कौम हरामजादादों पर मुश्तम होगी अब आप देख लेना अगर आज यूरोपियन सोसाइटी का जायज़ा लेते हैं जितनी भी आप नन मुस्लिम स्टेट्स देखते हैं क्रिश्चियन स्टेट्स हरामजादा पर मुश्तमिल है उनकी अक्सरीत ना उधर माँ का कोई तस्वर ना कोई बाप का अब एक औरत बच्चे को जन्म दे रही है उसके बाप का पता ही कोई नहीं आप देख लें किस तरह उधर पहले ये मकरू एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया गया अब हमारी ममलकतः पाकिस्तान इस इस्लामिक स्टेट में भी इस किस्म के गंदे काले कानून को लाया जा रहा है अल्लाह ताला हम सब को इस गंदे किस्म के मकरू एजेंडा से महफूज फरमाए और इस सब के लिए हम सब को काविश करने की हम सब को आ, कदम उठाने की तोफीक देखें हम सब मुतहद होकर इन यहूदी साजिशों के ख़िलाफ़ एक होकर आवाज़ उठा सकें